जा रहे हो, बागेश्वर जी का नाम आना चाहिए। हाँ भैया, बहुत अच्छे से लिखना हमारे बागेश्वर जी का नाम। सच कहूं असुमति, हमें बहुत अच्छा दामाद मिला है। कल जब सारे रिश्तेदार आएंगे ना तो उनके सामने हमारी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। सही कह रहे हैं आप, हम खुद भी अगर ढूंढने जाते ना तो भी इतना अच्छा दामाद तो नहीं मिलता हमें। हाँ। हमारी बावरी बहुत किस्मत वाली है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है दीदी। हाँ। हे भगवान, कल सगाई हो जाने के बाद जब मम्मी पापा को असलियत का पता चलेगा तो क्या होगा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हे मां सरस्वती, आज हमारे बागेश्वर की सगाई है और इस शुभ कार्य हेतु हम सभी ने छोटे से झूठ का सहारा लिया है। हमारी इस गलती को क्षमा करना, क्योंकि एक शुभ कार्य हेतु है। आज इस सगाई में कोई भी विघ्न ना आए, ऐसा आशीर्वाद देना मां। अंजलि, ओह माय गॉड मिस्टर तारक मेहता, क्या बात है, आप तो तैयार भी हो गए। अरे भाई, तैयार तो होना ही पड़ेगा ना अंजलि, जेठालाल का परम मित्र जो। पर आज तो भिड़े भी नहीं है, इसे सारे काम संभालने होंगे, सभी मेहमानों का स्वागत करना होगा, इसलिए सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा। जाइए जाइए परम मित्र, पूरी तैयारियां ठीक से हुई कि नहीं वो देखिए, सारे मेहमानों का स्वागत कीजिए। पर मेहमानों के लिए खाना कैसा बना है वो चख के देखता हूँ, वो काम मत कीजिएगा, ठीक है। मतलब आज इस सगाई फंक्शन में भी मैं डाइट फूड खाऊं, अपने करेले वरेले साथ लेके जाऊँ यहाँ से। तारक मजाक कर रही हूँ, पेशेंस। मजाक छोड़ो, ये बताओ तुम तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? आप पहुंचिए, हम सब अच्छे से तैयार होके आते हैं बाद में। मतलब आज बाबरी जिसकी सगाई, उससे भी ज़्यादा बनाव श्रृंगार आप करेंगी यार। हाँ। खैर छोड़ो, तुम आ जाना, मैं चलता हूँ। ओके ओके। बहू, कैसा लग रहा हूँ मैं? दूल्हे का बाप लग रहा हूँ ना। हाँ, ऐसा लग रहा है कि आज बाघा भाई की नहीं, टप्पू के पापा की सगाई है। अरे बहू, सबके सामने तो बाघा ही मेरा बेटा है ना, तो सबको लगना चाहिए ना कि मेरे बेटे की सगाई है। हाँ, बराबर है बापूजी। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। हाँ, आई। नमस्ते भाभी। हाँ। मैं आ गया चाचा जी, कोई काम हो मेरे लिए तो बताएं। नहीं, यहाँ तो कुछ काम नहीं है। तू एक काम कर, मैं तू क्लब हाउस में जाके देख कि सब तैयारियाँ हो गई है ना, मेहमानों के स्वागत के लिए जूस, खाना पीना, डेकोरेशन, नाश्ता सब हो गया है कि नहीं। हाँ, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए चाचा जी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं सब देख लूंगा। मेहता साहब, हमारे बाघा भाई के लिए आप और गोकुलधाम सोसाइटी के सब लोग इतनी मदद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसी बातें कर रहे हैं दया भाभी, आपको हमें थैंक यू कहने की जरूरत है। अरे बागेश्वर हमारी सोसाइटी में नहीं रहता तो क्या हुआ, वो हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ देता है, बिल्कुल हमारे परिवार की तरह है, तो उसके लिए इतना सा तो कर ही सकते हैं, फर्ज है हमारा। बहू, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ पूरा गोकुलधाम होता है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आप। वैसे बाघा का तैयार हुआ कि नहीं अभी तक? बाघा भाई तैयार हो रहे हैं। आज तो कमाल का उल्टा चश्मा हो गया ना, नौकर की सगाई के लिए सेठ खुद नौकर बना और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी उसका साथ दे रही है। मैं तो हकीकत हमेशा कहानी से ज्यादा झटके देती है। बिल्कुल सही कहा आपने चाचा जी। वैसे दादा, जेठालाल नजर नहीं आ रहा है, अभी तक तैयार हुआ कि नहीं? अरे भाई, मैं तो सुबह 6 बजे से उठ के बावरी के मम्मी पापा के सेवा में लगा हुआ हूँ। अरे वाह। नहीं, अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुए जेठालाल सगाई के लिए? मैं तैयार ही हूँ। तैयार? तुम सगाई में ऐसे चलोगे? भाई, मेरे सेठ जी की सगाई है ना, तो मुझे थोड़ा उसी तरह तैयार होना पड़ेगा, वरना वो बाघा की सास मुझे डांटेगी। ऐसे क्यों तैयार हुआ है? ये क्या है? तू नौकर है, नौकर की तरह रहे, ज्यादा बन ठन के घूमने की जरूरत नहीं है, जा अपना काम कर। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने जेठा। चलो मैं क्लब हाउस चलता हूँ। मेहता साहब, जरा देखना कोई गड़बड़ ना हो, और कैसे भी करके आज बाघा और बावरी की सगाई बस हो जाए। अरे बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होगी जेठालाल, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। मैं चलूं? सगाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है भाई, वहां तो धूम मची होगी। गोकुलधाम सोसाइटी का हर मेंबर बाघा की सगाई की तैयारी में लगा होगा। अब्दुल भाई वाह, सारी तैयारी मस्त हो गई। हाँ टप्पू, झकास, टाइम के पहले सब तैयारी हो गई। आज अगर भीड़ अंकल यहाँ पे होते ना तो पक्का बोलते एकदम अप्रतिम डेकोरेशन किया है, एकदम हमारे जमाने का डेकोरेशन किया है। हाँ। और फिर मैं उनको पूछता कि भिड़े अंकल आपके जमाने में लाइट्स होती थी क्या? अरे भिड़े भाई बोलते लाइट्स होती मतलब क्या है? मैं कोई पत्थर युक्ता हूँ क्या? भिड़े अंकल पूना गए तो ठीक है, लेकिन सोनू को कैंप से आ जाना चाहिए था। हाँ। सोनू यहाँ होती तो और ज्यादा मजा आता। हाँ यार वो तो है, लेकिन फ्रेंड्स हम लोग है ना बहुत सारे फोटोज खींचेंगे ताकि उसको सारे फोटोज दिखा सके। हाँ। ओ, अरे भाई हमारा ही क्लब हाउस है, क्या बात है। हाँ। कमाल कर दिया भाई है। थैंक यू। वेरी नाइस, क्या बात है भाई टपू सेना, वेरी गुड। हाँ थैंक यू, बहुत बढ़िया, क्या डेकोरेशन किया है भाई, वाह। बाबरी के रिश्तेदार आएंगे तो कहेंगे भाई टपू सेना ने कमाल कर दिया। थैंक यू। और अब्दुल तुमने भी थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए आइए। अब बात है बाबा, क्या डेकोरेशन है। और मैंने खाना भी चेक कर लिया है, सब बढ़िया बना है, लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपने लोगों के लिए कुछ छोड़ा कि नहीं छोड़ा है? अरे अरे सब छोड़ा है। और डीजे का अरेंजमेंट भी हो गया है। वेरी गुड यार, डीजे का बंदोबस्त भी हो गया, ये बहुत बढ़िया हो गया। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, क्या सुपर डेकोरेशन किया है, बहुत शानदार लाजवाब, एकदम बढ़िया डेकोरेशन किया। थैंक यू, थैंक यू। मेरा तो दिल कर रहा है टपू सेना तुम सबको और अब्दुल तुझको अपने कंधे पे उठा के पकड़े करूं। बल्ले 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 बल्ले। पहले एक बात थोड़ी मानना पड़ेगा, जैसे जैसे टपू सेना बड़ी होती जा रही है उनका काम एकदम सुपर होता जा रहा है। नहीं वो तो है, प्रैक्टिस में एकदम मैन परफेक्ट, ऐसे एक्सपीरियंस भी है, वो ग्रो करा देता है। सही बात। थैंक यू एयर अंकल। वैसे एयर अंकल हम लोग ही तो देश के फ्यूचर है, हमें तो अच्छा काम करना ही पड़ेगा ना। यस यस करेक्ट। वाह वाह फ्रेंड्स, चलो कौन से गाने प्ले करने उसकी लिस्ट बना देते हैं। जाओ जाओ बढ़िया गाने सेलेक्ट करना। चलो 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 फ्रेंड्स। हेलो एवरीबॉडी। ओ हेलो हेलो पप्पू, आजा यार, आ क्या हाल है पपड़दा? क्या बात है भाई, क्या बात है, आज तो बच्चों ने कमाल डेकोरेशन किया है। हाँ बच्चों ने तो कमाल डेकोरेशन किया, पर आपने अपने आप का डेकोरेशन इतना क्यों किया भाई? आप तो ऐसे तैयार होके आए जैसे इस क्लब हाउस में बाघा की सगाई नहीं आपकी सगाई होने वाली हो। करेक्ट है, बिल्कुल सही पहचाना मेहता साहब आपने। क्या है ना, आज बावरी जी के बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, तो उनमें से अगर मेरे लायक कोई लड़की हुई तो हो सकता है कि भागा के साथ साथ आज मेरा रिश्ता भी तय हो जाए। तो पप्पू यारा तेरी शादी जल्दी हो जाए तो अच्छा है यार। थैंक यू सोडी, मोस्ट वेलकम। वरना क्या है ना, मेरे को बहुत डर लगता है। क्या? किस बात का डर सोडी? वो कहीं ऐसा ना हो कि टप्पू सेना की तरफ से पहली शादी हो जाए। अरे भाई सोडी, नेगेटिव बातें क्यों कर रहा है, पॉजिटिव सोच, मेरा हौसला बढ़ा और पॉजिटिव बातें कर। ओ पप्पू मैं पॉजिटिव बातें कर रहा हूँ ताकि तेरा हौसला बढ़े और तेरी शादी जल्दी हो जाए। वैसे पपड़दल मैं क्या बोलता हूँ, बाघा का एंगेजमेंट तुमसे पहले हो रहा है तो तुमको जलन तो नहीं हो रहा है ना? तुम इतने सालों से मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो और बाघा तुमसे आगे निकल गया इसलिए बोला। हाँ। अरे अय्यर भाई, बाघा आगे नहीं निकला है, बाघा कंपटीशन से ही निकल गया है। मैं तो ये सोचकर खुश हो रहा हूँ कि मेरे लिए एक कॉम्पिटिटर और कम हो गया। सही बात है। और सबसे मेन बात भाई, बाघा अपना है और अपनों से कोई जलता है तो मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आप लोग देखिएगा, बाघा की सगाई और शादी में मैं सबसे ज्यादा काम करूंगा और सबसे ज्यादा नाचूंगा। वेरी गुड, पोपटलाल करना भी चाहिए। तो कहा जाता है कि अगर कोई कुंवारा व्यक्ति किसी शादी में खूब मन लगा के काम करे तो उसकी भी शादी जल्दी हो जाती है। फिर ओ बबू जल्दी शादी हो जाएगी तेरी। देखिएगा दोस्तों, इस साल मेरी भी शादी हो ही जाएगी। और तुम्हारी शादी में सिर्फ गोकुलधाम नहीं पूरी दुनिया झूमेगी। एकदम झूमेंगे पप्पू तेरी शादी में। इसी बात पे 3 चीयर्स फॉर पोपटलाल। हिप हिप होरे होरे हिप हिप होरे। क्या हुआ दोस्तों, क्या हुआ? किसके लिए हिप हिप पूरा कर रहे हैं भाई? अरे भाई जेठालाल पोपटलाल ये कह रहा था कि आज बाघा और बावरी की सगाई है, तो बावरी के बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, तो हो सकता है उसमें कोई इनके लायक कुंवारी लड़की भी मिल जाए शादी के लिए। तुम पोपटलाल का हौसला बढ़ा रहे। सही बात है भाई पोपटलाल, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आज मेहरबानी करके अपना कोई कर्तव्य मत दिखाना। चाहे कुछ गड़बड़ हो गई ना तो बाघा की सगाई अटक जाएगी, और बाघा की सगाई अटक गई तो मैं नौकर के पात्र में अटक जाऊंगा भाई, प्लीज। सही बात है पोपटलाल, जब तक बाघा की सगाई नहीं हो जाती तब तक चुप रहना भाई। हाँ। उसके बाद जो मर्जी हो करना। हाँ। प्लीज। करेक्ट है। पर पप्पू, तू किसी लड़की को देखना ही नहीं। हाँ। ठीक है भाई, जब तक बाघा की सगाई नहीं हो जाती मैं अपने रिश्ते की बात किसी से नहीं करूंगा, बस। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। आप लोगों से भी एक विनती है, आप लोग भी क्या जरा चौकन ना रहना, किसी भी मेहमान को ये पता मत चलने देना कि मैं सेठ हूँ और बाघा नौकर है, वरना क्या सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। नहीं नहीं, चिंता मत करो जेठालाल। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम ये खड़े खड़े गप्पे लड़ा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोगों ने इनको किसी काम के लिए रोका था। हाँ, क्योंकि काम बहुत बढ़िया करते हैं, काम बहुत मेहनती है। बहुत जरूरी काम था, अर्जेंट था। ठीक है ठीक है, इनका काम फटाफट खत्म करके घर पे आओ। जी हाँ, बेस्ट है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। चलो मैं चलता हूँ, और हो सके तो आज के पूरे प्रोग्राम में आप मुझसे बात मत करना, वरना क्या किसी को शक हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी मुसीबत है, अपने दोस्त से बात भी नहीं कर सकते। लेकिन सॉरी जेठलाल, तुम्हारी मुसीबत ही ऐसी है कि मैं चाहते हुए तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं मेहता साहब, चंद घंटों की तो बात है, एक बार सगाई हो गई फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। हाँ वो तो है। अरे जेठालाल, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये काम हमेशा करते रहना। मतलब हमेशा के लिए नौकर बना रहो ये भाई? ओए अरे नहीं 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 जेठालाल, मेरा कहने का मतलब है कि तुम बाघा की मदद कर रहे हो, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड जेठा। थैंक यू थैंक यू। चलो मैं चलता हूँ। ओके चल, ऑल द बेस्ट जेठा, ऑल द बेस्ट। आप लोगों को भी ऑल बेस्ट, ऑल द बेस्ट। टेक केयर जेठा। हाँ मैं चलता हूँ आराम से। हाँ भाई, किस्मत का खेल भी निराला, कब राजा को रंग और रंग को राजा बना दे पता ही नहीं चलता। ओ भाई साहब, मैं खाली रंग की एक्टिंग कर रहा हूँ, बाकी मैं पहले भी राजा था, राजा हूँ और हमेशा राजा रहूंगा। हाँ हाँ भाई, ये तो सिर्फ कहावत है, मैं सिर्फ एक कहावत कह रहा था। ठीक है, बाकी मेहरबानी करके तुम अपने धापे में रहना भाई। धापे नहीं, आपे में रहना। हाँ वो जो भी है उसमें इसको रखना, वरना मैं हमेशा हमेशा के लिए रंक बन जाऊंगा। नहीं नहीं, ठीक बात। ठीक है राजा लाल, मेरा मतलब है जेठा लाल, बिल्कुल चिंता मत करो, सब बढ़िया हो जाएगा। नहीं जेठालाल तुम चिंता मत करो, हम पोपटलाल को काबू में रखेंगे। ओके चलो चलो मैं चलता हूँ। ओके ध्यान रखना, हरिओम हरिओम। हाँ उधर उधर, हरिओम 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 हरिओम। आइए आइए आइए, नमस्कार। मुझे आत्माराम तो काराम भीड़े ने बुलाया है, यहाँ किसी की सगाई करवानी है। अरे चलिए, पंडित जी तो वक्त पे आ गए, और वक्त पे चला भी जाऊंगा। लड़का लड़की को जल्दी बुलाइए, ऐसा ना हो मुहूर्त का समय निकल जाए। हाँ पंडित जी बुलाने, आप तुझे तब तक सारी तैयारी तो कर लो। सब तैयारी करके आया हूँ, आज मुझे 2 सगाई और 3 शादी करवानी है, मैं बहुत बिजी हूँ। ओह माय गॉड। बोलो, जिसको देखो उसकी शादी हो रही, सिर्फ मैं ही बच गया हूँ। अरे जल्दी कीजिए, लड़का लड़की को बुलाइए, मेरा एक एक पल कीमती है। हाँ जल्दी कीजिए। अरे भाई बुलाते हैं, पर ये महिला मंडल कहाँ रह गया? ये तैयार हो क्या है, तुम बाघा और बावरी को बुलवाए ना। अरे आगे महिला मंडल आ गई। सुपर। अरे रोशन डाले कितनी खूबसूरत लग रही है तू, वाह वाह वाह। कहाँ रह गए थे भैया? आजा सुनिए। ओहो क्या बात है, आज तो ऐसा लगता है जैसे आफ्ताब और मेहताब धरती पे उतर आए। ऐसा लग रहा है जैसे चांद और सूरज खुद साड़ी पहन के आ गया है। सही बात। ओए ओए रोशन डार्लिंग, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी ब्यूटीफुल, कितनी प्रिटी यार। मेरा तो दिल कर रहा है मैं तेरे से फिर से सगाई कर लूं। अरे कमल, तुम लोग को आने में इतना टाइम क्यों लगा? ओ कम ऑन हंस, कितने दिनों बाद हमें ऐसे सजने का मौका मिला है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। हाँ तो एक्चुअली हम सबको बागा भाई और बावरी बहन के लिए गिफ्ट्स लेनी थी, इसलिए और थोड़ी देर हो गई। हमने तो गिफ्ट का कुछ सोचा ही नहीं था। नारी शक्ति जिंदाबाद। इसीलिए तो राजेश खन्ना साहब बहुत साल पहले कह गए, सासू तीरथ ससुरा तीरथ तीरथ साला साली है, दुनिया के सब तीरथ झूठे चारों धाम घरवाली है। थैंक यू। इसीलिए जीवन में पत्नी का होना जरूरी है। अरे लड़का लड़की को आने में और कितनी देर है? ओ ये पंडित जी तो बहुत बिजी लग रहे हैं, मैं जल्दी से बागा बावरी को बुलाना पड़ेगा। बस वो मेहमान भी आना शुरू हो गए। ओह नो, एक काम करते हैं, मैं और रोशन भाभी जाके बागा भाई और बावरी बहन को लेके आते हैं ना। प्लीज। और हम लोग मेहमानों का स्वागत करते हैं। परफेक्ट। अब्दुल भाई जरा। अरे वाह, डेकोरेशन तो बहुत बढ़िया किया है। बाबरी के लिए बहुत बढ़िया लड़का ढूंढा है। लड़का तो बहुत अच्छा। हेलो, वेलकम वेलकम। हाँ जी, वेलकम वेलकम। सुड़ी, मैं क्या कह रहा था? जेठालाल ने मुझे मना किया है सुकन्या देखने से, लेकिन तू तो मेरे लिए देख सकता है ना कोई कन्या। अरे भाई, बात हम सगाई के बाद नहीं करेंगे। अगर तुझे कोई कन्या ठीक लगे तो तू सिर्फ उनका नाम पता ले लेना। देखते हैं, अभी बाकी मेहमानों को देखें। अरे वाह, मानना पड़ेगा, सारी तैयारियां तो A1 की हैं। थैंक यू। पूरे गोकुलधाम में जी A1 है। यहाँ है आपका खाने। खाने का भी इंतजाम बहुत बढ़िया किया है, खा के जाइएगा। वेलकम वेलकम। हाँ यारो, अब जल्दी से जल्दी सगाई हो जानी चाहिए। अपना जेठा भरा नौकर का नाटक करते करते थक गया होगा यार। क्या हुआ, कौन नौकर का नाटक कर रहा है और कौन थक गया है? तो नौकर नाटक। मित्रों, बाघा और बाबरी के सगाई का फाइनल शुरू हो गया। एक तरफ है गोकुलधाम सुपर लॉयंस और दूसरी तरफ है कानपुरिया नाइट राइडर्स। और मैच शुरू होते हमारे ऑलराउंडर सोडी ने फुल टॉस डाल दिया और बावरी के एक रिश्तेदार को शक हो गया है कि यहाँ कोई झूठ बोल रहा है, कोई नाटक कर रहा है। सोचिए तो, अगर बावरी के इस रिश्तेदार को पता चल गया कि बाघा नौकर है, सेठ नहीं है, तो ये सगाई रुक सकती है। लेकिन हम भी गोकुलधाम निवासी है, ये सगाई ऐसे नहीं रुकने देंगे। इस सगाई को हम किसी भी तरह से करवा के रहेंगे। अब देखना यह है कि सगाई करने में किस तरह से हमें कितने तरह के पापड़ बेलने होते हैं और क्या क्या करना पड़ता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं जानता हूँ आप देखेंगे भी और हंसेंगे भी। हाँ, स्वच्छ भारत अभियान के तहत तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से हम स्वच्छता सेनानियों को पुरस्कृत करते हैं। इस हफ्ते की स्वच्छता सेनानी है सलमा संगरिया एंड ग्रुप अहमदाबाद से। मैं सलमा संगरिया श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम चलाई। जैसे कि मैंने स्लम्स एरिया में घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया और लोगों ने काफी योगदान भी दिया। स्वच्छ भारत अभियान से बढ़ाए भारत की शान। उन्हें बहुत बहुत बधाई। और यहाँ बाघा और बाबरी की सगाई में हम क्या क्या यत्न करते हैं, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.